मैंने ये तकरीबन 8वां की वीडियो सॉरी 8वां बोल रहा हूँ, 8 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन मैं एक बात वीडियो को शुरू में बोलना चाहता हूँ। इस वीडियो में इसके ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ बात करूँगा। वो ये है जी, जो बंदे सफारा से क्रूज लगाकर जा रहे हैं, दो कैटेगरीज में हो रहे हैं। कौन सी कैटेगरीज में, मैं आपको बताता हूँ। यानी कि ई काम एक्सपायर हो, जो विजिट वीज़ा वाले क्रूज लाई कैसे लगा सकते हैं, इसके इसी टॉपिक के ऊपर हमारा मौजू है। आप पूरी वीडियो देखिए, इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको मज़ा भी आएगा। मैं नंबर वगैरह भी आपके साथ शेयर कर दूँगा अपना व्हाट्सअप वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ मैं एक जो हालिया जवाजात से पूछे गए सवाल उनके जवाब देने वाला हूँ, यानी कि जवाजात की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इन सवालात के मुतल्लक, जो कि हमारे जो हम प्रदेश में रहते हैं यानी कि सऊदी अरेबिया में फैमिलीज़ वगैरह यानी कि विज़िट वीज़ा वाली एंड आप अगर वर्क वीज़ा के ऊपर हैं तो आप दोनों के लिए हैं जी, इकामा के मुतल्लक। अच्छा, यहाँ पर वीडियो को शुरू में एक चीज़ क्लियर करूँ मैं। मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की, सऊदीया ने 3 माह का जो उम्रा पैकेज ओपन करवाया, उसमें मैंने ये बोला था कि एक तो आपको मैं किसी एजेंट वगैरह से पूछ कर बताऊंगा कि इस वक्त 3 माह का उम्रा चल रहा है या नहीं चल रहा है, या चल रहा है यानी कि स्टार्ट हो चुकी है उसकी बुकिंग, तो उसमें कितने यानी कि आप पैसे ले रखे हैं। तो इसके मतलब मैंने 2 एजेंटों से बात की है अपने शहर से, तो अभी तक मुझे यही रिस्पॉन्स मिला, यानी कि 3 दिन पहले की बात है, उनकी तरफ से यही कहा गया था अभी ऐसी ओपनिंग यानी कि ऐसी बुकिंग हमारी तरफ से नहीं शुरू हुई है जी। हाँ, खबरें सुन रहे हैं, जैसे ही होगी आपको बता देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं उस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि वो कितने का बन रहा है। दूसरी बात यहाँ पर एक और क्लियर करता चलूँ, इसी से रिलेटेड है, इस वीडियो से रिलेटेड। उस मेरी वीडियो के नीचे एक भाई ने कमेंट किया था कि विजिट वीज़ा तो ओपन है पाकिस्तान का, आप बोल रहे हैं ओपन नहीं है। मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि विजिट वीज़ा ओपन नहीं है, लेकिन उम्रा 3 माह का ओपन कर दिया गया, यानी कि सिंपल फाद में विजिट वीज़ा ही हो गया 3 माह का। मैंने विजिट वीज़ा उन बंदों के लिए बोला था ओपन नहीं है, यानी कि मैं अकेला हूँ, जा सके, मैं विजिट वीज़ा के तौर पर सऊदी अरब जाना चाहता हूँ, नहीं जा सकता। क्लियर कट बात है। विजिट वीज़ा में आपको पता है आप अपनी फैमिली बुलवा सकते हैं, अपनी बीवी बच्चे माँ को, वालद को, अपनी सास को, यानी कि इनको बुलवा सकते हैं विजिट वीज़ा में। विजिट वीज़ा में ऐसा नहीं है कि आप अपने 2 भाइयों को बुला रहे हैं सिर्फ, अब वो नहीं जा सकेंगे। ये मैं क्लियर कर दूँ आपको विजिट वीज़ा के मुतल्लक। अभी न्यूज़ के मुतल्लक आ जाते हैं जी। जैसे मुझे 3 माह का पैकेज का पता चलेगा ना उम्रे का, इंशाल्लाह वो वीडियो के लिहाजा से आपके साथ शेयर कर दूँगा खर्चे वगैरह के मुतल्लक टोटल। अभी बात ये है जी कि जवाजा से पहला सवाल ये पूछा गया है कि फैमिली जो विजिट वीज़ा के ऊपर आती है उसके मुतल्लक, जब उनके यानी कि विजिट वीज़ा ख़त्म हो जाए तो क्या 3 माह की जो मुद्दत होती है उनकी वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद 3 दिन, हम सोशल मीडिया के ऊपर हमने सुना है कि मुद्दत ख़त्म होने से 3 दिन बाद में भी यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर वो फैमिली निकल जाए सऊदी अरेबिया से, उनको इजाज़त है, वो जा सकते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? तो आगे से जवाब जवाजा की तरफ से ये कहा गया कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वीज़े की जो मुद्दत होती है उसी दौरान आपने निकलना, यानी कि आज लास्ट डे, आज आप जा, अच्छा मगरब से पहले पहले आप जा सकते हैं आज। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये आम बात आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ तमाम तर भाइयों के लिए जो काम वगैरह कर रहे हैं, वो क्या जी, आपका इकामा, आपकी छुट्टी, आपका पासपोर्ट तो चलो इंग्लिश डेट में होता है, आपका इकामा, आपकी छुट्टी, इन दोनों चीज़ के ऊपर नज़र रखिए। ये दोनों चीज़ें भाई अरबी डेट में होती हैं, ना कि इंग्लिश में, ठीक है जी। आपका जो इकामा की डेट होती है ना वो अरबी में होती है, आपकी जो छुट्टी की डेट होती है वो भी अरबी में होती है, उसके ऊपर भी नज़र रखें कितने दिन की छुट्टी बनती है, अरबी डेट के हिसाब से छुट्टी कितनी बनती है, इंग्लिश डेट के हिसाब से अरबी में अगर ज़रब दें तो आपको पता है अरबी माह छोटे होते हैं। अगर आप इकामा है आपका, आपको पता होना चाहिए कि मेरा इकामा, आप अभी बोल देंगे ये पहले माह की 17 तारीख को एक्सपायर होता है तो पहले माह की 17 तारीख को है जी, ऐसा नहीं है भाई, आपको पता होना चाहिए कि अरबी डेट की आपकी मिसाल के तौर पर आपका इकामा मुहर्रम की 15 तारीख को ख़त्म होता है जी। चलो जी ठीक है, आपने मुहर्रम की 15 तारीख ही रखनी है। अच्छा, अरबी में वो पहले माह की 5 आ जाए, या जैसा कि अभी 8वें माह की 8 तारीख आ जाए, 7 तारीख आ जाए, आप अरबी को छोड़ दें, इंग्लिश को छोड़ दें, आपने अरबी अपने जहन में रखनी, अपनी अरबी डेट। इस चीज़ के ऊपर बंदा धोखे खाते हैं और छुट्टी आए हुए यहाँ पर रह जाते हैं इंग्लिश डेट के हिसाब से ही। ये भी क्लियर कर दूं मैं, जवाजात की तरफ से ये कहा गया कि आप विजिट वीज़ा वालों के मुतल्लक, फैमिलीज़ के मुतल्लक, कि आप उस दिन शाम मगरब तक निकल सकते हैं सऊदी अरेबिया से, यानी कि मगरब के बाद अरबी डेट चेंज हो जाती है, इंग्लिश रात 12 बजे से होती है। ये भी क्लियर कर दूं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके मतलब ये बिल्कुल नहीं कहा गया है उनकी तरफ से, यानी कि जवाबदात ने यह कहा कि ये सब झूठ है कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए आप बाद में 3 दिन के अंदर निकल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये सऊदी अरब के कानून के खिलाफ वर्जी है, तो आपको रोक लिया जाएगा और आपके ऊपर फाइन वगैरह, यानी कि आपको बोल देगा इस वीज़े को अपडेट करवाएं, दोबारा से 3 माह का
फिर जाएं, ठीक है। अभी इकामा होल्डर के मतलब बात कर लेता हूँ मैं। मैंने एक मसला उठाया था जी पिछली कुछ 4-5 दिन पहले, मैं यहाँ पर उसके मतलब पहले आपको बताऊँ, वो ये है जी, अगर कोई भाई इसके मतलब जानता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताए, मैं व्हाट्सअप नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। अच्छा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर मेरा सुन भी लें, वैसे मैं बहुत से बंदों को देता हूँ, 0318-940-4044, ठीक है जी, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। अच्छा अभी बात ये है जी कि मैं बंदे मेरे साथ रबते में हैं, बहुत से मुझे पेपर भेज चुके हैं, इकामे जिनके एक्सपायर हैं इनके मतलब बात कर रहा हूँ मैं। वो ये है जी कि ऐसे मसला ये है कि जो बंदे सफारा से खरूज लगवा कर आते हैं, पाकिस्तानी सफारा से, मैं 1 घंटा प्लस में वीडियो लगा चुका हूँ अपने 2 दोस्तों को साथ बैठाकर, एक शमेसी जेल से आया हुआ था, एक सफारा से आया हुआ था, इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। सफारा से वो बंदा कैसे आया मैं कंप्लीटली बता चुका हूँ इस वीडियो में, अभी दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सफारा से मैंने बहुत सी वीडियो लाइव भी शेयर की हुई है। अच्छा सफारा से जो खरूज लगवा कर आते हैं वो क्या दोबारा न्यू वीज़ा के तौर पर जा सकते हैं, ये मैं आपको आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई बंदा पहुंच चुका है या अगर कोई बंदे ने खरूज लगवाया है वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, उसे नंबर मैंने आपके साथ बोलकर शेयर कर दिया है, मुझे व्हाट्सअप यानी कि कमेंट्स में मुझसे नंबर आप मांग भी सकते हैं। एक ये मुझे इसके मतलब आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा, मेरे लिए नहीं, मैं व्हाट्सअप के ऊपर 20 बंदे इस वक्त मुझे मैसेज कर रहे हैं जी वक्तन फवक्तन, यानी कि भाई कुछ इसके मतलब न्यूज़ आई है, वाकई कन्फर्म है, कन्फर्म मुझे पता है, लेकिन 2 कैटेगरीज बनी हुई हैं यहाँ पर। ये भी अभी जो जिन बंदों का खरूज लग रहा है ना, मिसाल के तौर पर जद्दा से लग रहा है, जद्दा जो यानी कि आप बोल रही मक्का एक सूबा है जी, मक्का एक ज़िला है, तो जवाजात मकान अल इसदार मक्का अल मुकरमा, ठीक है जी जवाजात। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है जी, वहाँ पर कुछ और लिखा आ रहा है कुछ बंदों के, हालांकि उनका खरूज भी सफारा से लगा, यानी कि वो भी सफारा में गए, लेकिन उनको सफारा ने भेजा, मकतबे अमल वालों ने भेजा उनको, वाफदीन एक इदारा है जी, उनका खरूज जब लगता है ना तो उनके वहाँ पर मकान इसदार की जगह पर वाफदीन जजान, वाफदीन जद्दा, वाफदीन मक्का, जिस इदारे से जिस इलाके के इदारे से खरूज लग रहा है उनके वो लिखा रहा है, 2 डिफरेंट है जी इन दोनों में। और ये क्यों आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ, आप में से बहुत से भाइयों को इसके मतलब इलम नहीं होगा और बहुत से भाई सफारा से अगर खरूज लगवाना चाह रहे हैं, मैं जैसा कि आपको मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि किनके इकामे एक्सपायर हैं उनके लिए, ठीक है जी। अच्छा इकामे एक्सपायर वालों को एक ये मैं बात से अपडेट कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो रहा है, आप भाइयों में से कोई सफारा से खरूज लगवा कर आया है, दोबारा जा चुका है, या खरूज लगवा कर वहाँ से पहुँच चुका है, वहाँ से कुछ मालूमात आपने ली हैं तो मुझे इस वीडियो में कमेंट्स में यानी कि ज़रूर बताइएगा, दूसरे बंदों का भला हो जाता है। इकामा एक्सपायर खरूज लगवाना है, सिंपल तरीका है जी, सफारा में चला जाएगा, पेपर जमा करवा दे, मैंने खरूज जाना है, बशर्त है कि आपकी कंपनी रेड हो, बस एक शर्त है जी, एक शर्त, कंपनी रेड हो, खलास बस, 1-2 महीने खरूज लगता है अपने घर जाएँ, दोबारा न्यू वीज़ा के तौर पर जा भी सकते हैं, कन्फर्म बात है। मैंने खुद से सफारा वाले बंदे से पूछा हुआ है, जो दोस्त का मेरा खरूज लगा लास्ट दिन उसके पास गया, जो रिसेप्शन के ऊपर बैठा हुआ है, जुबैर साहब को पेपर जमा करवाते हैं, तो उस बंदे ने बोला जी आप आ सकते हैं, अगर आपकी कंपनी रेड थी और आपके इकामे एक्सपायर थे खरूज लगा, मैंने कहा जी, वो बोलता आप आ सकते हैं न्यू वीज़ा के तौर पर, नो टेंशन है, लेकिन फिर भी चलो बंदे का लाइव एक्सपीरियंस हो तो शेयर कीजिएगा। दूसरी रीज़न ये है, इकामा आपका एक्सपायर है लेकिन कंपनी ग्रीन है, इस सूरत में खरूज नहीं लगेगा, इस सूरत में आपको कफील के ऊपर केस करना पड़ेगा वजारत मुआदल बशरिया में जाकर, ठीक है जी, तंजीफ में आपका केस चलेगा, सिंपल खरूज ना हाई का केस कर दें, 1-2 माह में फैसला हो जाता है, अगर साथ में अपनी सैलरीज वगैरह बाकी हैं तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है जी। ये क्लियर कट हो गया विजन वीज़े एंड इकामा वालों के मतलब, और मैंने फिर लास्ट में आपको बताता चलूँ, नंबर मेरा सुन लें, 0318-940-4044, और इसके ऊपर मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और दूसरी बात सफारा से भाई, फिर वही बात रिपीट करूंगा लास्ट में कि अगर कोई बंदा जा चुका है या कोई बंदा आया है वहाँ से क्या कन्फर्म करके आया है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।